आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत इस छोटे से गुलाब के फूल के साथ करूंगी। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा कलर है, पिंक कलर का इसमें शेड वाला है। देखिए नीचे लाइट पिंक है, ऊपर डार्क पिंक गुलाब है। और मैंने इसको कटिंग से लगाया, ये देखिए आप, छोटी सी कटिंग है और इसमें अभी से फूल खिल गया है। इस समय हम गुलाब की कटिंग को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब का ग्रोइंग पीरियड चल रहा है और ये इसकी कटिंग बहुत अच्छी तरह से लग जाती है। नवंबर दिसंबर में भी आप कटिंग लगा सकते हैं। अक्टूबर से कटिंग लगाना शुरू कर दिया था मैंने, ये अक्टूबर की कटिंग है। और देखिए इसमें आज एक फूल खिला था सुंदर सा, तो मैंने सोचा पहले आपको यही दिखा देती हूँ। और गुलाब के इस समय बहुत अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं। ये देखिए मेरा ये दूसरा गुलाब है, देसी गुलाब है। दोस्तों मैंने सारे अपने जितने भी गुलाब के प्लांट हैं सब मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं, और इनमें इस समय इतनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, बहुत ही सुंदर फूल आ रहे हैं। ये देखिए देखिए साइज भी काफी अच्छा है इसका फूल का। इधर ये मेरा कॉप्सकॉम लगे हुए छोटे छोटे से, देखिए बहुत छोटे छोटे प्लांटर हैं। और ये तो मेरा कॉफी का मग है, मैंने उसी में इसको ग्रो कर दिया है। देखिए और कितने सुंदर लग रहे हैं। आज मैंने सोचा था मैं आपको अपना मौसम का हाल दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत ही ठंडा है, दो दिन से हमारे यहाँ बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है। ये देखिए इस समय दिन के 11 बजे हुए हैं और बिल्कुल भी धूप नहीं है। कल भी बिल्कुल सूरज नहीं दिखा था और आज भी नहीं लग रहा है कि सूरज निकलेगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने प्लांट को इतनी ठंड में कोहरे में किस तरह से बचाएं। ओस भी बहुत पड़ रही है इस समय और कोहरा भी बहुत हो रहा है। ये देखिए कनेर के जितने फूल हैं इस समय ठंड की वजह से इसकी कलियाँ जो हैं गिर जा रही हैं, खिल नहीं पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि हम अपने प्लांट्स को किस तरह से इस कोहरे से बचा सकते हैं, ओस से बचा सकते हैं। ये देखिए मैंने किस तरह से बचाए हैं आपसे वही शेयर करूंगी आज। कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं और इनको लेकिन ओस पड़ेगी इन पे तो सारे फूल हमारे खराब हो जाएंगे, क्योंकि जब ओस गिरती है इनके पेड़ के अंदर तो फंगस भी आ जाती है फूलों में पेड़ों में सभी में फंगस आ जाएगी और सारे पेड़ खराब हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला तरीका तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं अपने प्लांट को। हमारे यहाँ पर कुछ प्लांट लगे हुए हैं जो मैंने इस तरह से कपड़े से कवर करे हुए हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ। पहला तो यही हो गया गुलदाउदी का प्लांट। इसको अगर आपके पास शेड वाला एरिया है तो सबसे पहले आप उस इन प्लांट को सारे अपने जितने भी हैं शेड वाले एरिया में रख दीजिए, क्योंकि ओस से बचाना बहुत ज़रूरी है, कोहरे से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास कोई शेड वाला एरिया नहीं है इसलिए मैंने इस तरह से इनको कपड़ों से कवर करके रखा हुआ है। और मैं आपको दूसरा प्लांट अपना दिखाती हूँ जो मैंने बचाया हुआ है। देखिए ये है हमारी तुलसा जी। तुलसा जी को बचाना दोस्तों कोहरे से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाड़ों में अधिकतर तुलसा जी खराब हो जाती हैं। ये देखिए मैंने इनको कपड़े से पहले ये एक कपड़े से कवर किया है, उसके बाद दूसरे कपड़े से, इस तरह से मैंने कई कपड़ों से इसको कवर किया हुआ है तुलसा जी को। यहाँ मेरी जितनी भी श्यामा रामा तुलसा जी जितनी भी हैं सबको मैंने रख दिया है और इस तरह से दो तीन कपड़ों से कवर कर दिया। और ये कपड़े बिल्कुल ओस में गीले हो जाते हैं और कोहरे से इसी तरह से हम अपनी तुलसा जी को बचा सकते हैं। इधर ये मेरा शमी का प्लांट है, इसको भी मैंने दो कपड़ों से कवर करके रखा हुआ है ताकि ये प्लांट मेरे प्लांट खराब होने से बच जाएं दोस्तों। ये देखिए ये दूसरा तरीका हो गया। तो पहला तरीका तो हो गया कि आप अपने प्लांट को शेड में रख दीजिएगा, और दूसरा तरीका हो गया कि आप इस तरह से कपड़े से कवर कर दीजिएगा, या फिर कोई आप पन्नी डाल सकते हैं तो पन्नी से कवर कर दीजिएगा, तभी आपके प्लांट बच पाएंगे। तो मेरे पास जितना मैं बचा सकती हूँ उतनी तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर मैं सारे प्लांट तो नहीं बचा पाऊँगी क्योंकि इतना कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि अब ये बड़े बड़े हमारे जो प्लांटर हैं इनको हम उठा के कहीं रख नहीं सकते हैं, तो इनकी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है जब, तो जड़ें भी खराब होने लगती हैं। तीसरा तरीका है कि हमें पानी कम से कम देना होगा अपने प्लांट में। इस समय जाड़ों के टाइम पे पानी सूखता नहीं है और तुलसा जी और जितने भी प्लांट हैं इन सब में हमें एक दिन निश्चित कर लेना है कि हमें 3 दिन बाद पानी देना है या 4 दिन बाद, और उंगली से हमें चेक कर लेना होगा मिट्टी को। इस तरह से ये हमें मिट्टी चेक करनी है, अगर इस तरह से ये गीली मिट्टी है तो हमें बिल्कुल पानी नहीं देना है। जब 1 इंच ऊपर तक की मिट्टी सूख जाए तब हमें अपने प्लांट में पानी देना है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये दिखा रही हूँ, अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये है नारियल का जो ऊपर का कवर होता है, छिक्कल होते हैं वो है, ये नारियल के छिक्कल हैं। और दूसरा ये है
जो भूसा बनता है जिसका गेहूं की, वो उसको पुआल भी बोलते हैं दोस्तों। तो मेरे पास ये दो चीजें हैं। अब इनसे क्या करना है कि हमें अपने जितने भी बड़े बड़े प्लांटर हैं उनकी मल्चिंग कर देना है। चलिए मल्चिंग किस तरह से करेंगे हम, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये मेरा करी पत्ता का प्लांट है, मैं इसमें आपको मल्चिंग करके दिखाऊंगी दोस्तों। ये प्लांट को हमें अगर ख़राब होने से बचाना है तो हम क्या करेंगे कि इसकी ये देखिए जड़ है, जड़ में ये मिट्टी है। एक तो नराई समय समय पर करते रहना है, दूसरा हमें क्या करना है कि इस तरह से, नारियल तो हर घर में खाया ही जाता है और उसके छिलके भी बचते हैं, तो ये देखिए नारियल के छिलकों से इस तरह से हमें मल्चिंग कर देनी है। सारी मिट्टी को हम कवर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने इस तरह से अपने प्लांट की मल्चिंग कर दी है। मल्चिंग करने से क्या होगा कि इसकी हमारे जो पॉट है इसमें एक तो नमी बनी रहेगी, दूसरा इसकी जो मिट्टी है वो ठंडी होने से बच जाएगी। जब ज़्यादा ठंडी नहीं होगी मिट्टी तो इसकी जड़ों को अपने आप को जीवित रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ी सी गर्मी भी बनी रहेगी। इसलिए मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे पेड़ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो जाए, क्योंकि रात में ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो इस तरह से हमारे पेड़ जो हैं ख़राब होने से बचे रहेंगे। ये देखिए मेरा पेड़ कितना अच्छा चल रहा है इस समय करी पत्ते का भी। तो मल्चिंग भी हम कई चीज़ों से कर सकते हैं। अगर आपके पास नारियल के छिलके नहीं है तो मैंने अभी जो आपको दिखाया पुआल, गेहूं की जो डंडियां होती हैं गेहूं काटने के बाद या धान काटने के बाद, तो उससे भी मल्चिंग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप जो गत्ते आते हैं हमारे यहाँ ऑनलाइन, हम लोग सामान खरीदते हैं उसमें गत्ते आते हैं, उन गत्तों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनसे भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ठंड में अपने पेड़ों को बचाने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। तो जिस तरह जैसे मैं अपने पेड़ों को बचा रही हूँ आप लोग भी बचा रहे होंगे। चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही जो लोग नए हैं मेरी वीडियो पे वो लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।